Ben geliyorum. Girdik. Ya duyan bir tamper etiyorum diye kuyu etti. इसके यहाँ पे दूध भी मिलते हैं। यहाँ पे मैं एक फार्म हाउस में गया था, एक दोस्त के फार्म हाउस में, तो वहाँ से मैं दूध लेके आया था। इसका भी दूध मिला था और बकरी का दूध भी मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये देखें जी, ये डेजर्ट है, ये सारा डेजर्ट एरिया है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि डेजर्ट में यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। हर इलाके का एक अजीब कल्चर है, एक अजीब माहौल है। अभी आप देखें कि इस डेजर्ट में अजीब तरह के पौधे हैं। ये देखें इस तरह के, ये डेजर्ट के अपने पौधे होते हैं। तो ये सारा डेजर्ट एरिया है। ये आप देखें, ये देखें, ये घर बने हुए हैं। इस तरह के घरों में लोग रहते हैं और ज़्यादातर जो है वो ऊँट वगैरह रखते हैं। ऊँट और ये चीज़ इधर बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह की इधर जो है ये झाड़ियाँ और झाड़ियों में मैं यकीनन कोई ऐसी रहती होंगी जो डेजर्ट के अंदर ही रहती है। ये सुराख बने हुए हैं, या तो यहाँ पे सांप रहते होंगे, या कोई ऐसी चीज जो डेजर्ट के अंदर ही रहती है। ये जगह जगह ये इस तरह बने हुए हैं होल। आई डोंट नो कि इन होल में क्या चीज़ रहती है। अभी तो इस टाइम धूप है, कोई ऐसी चीज़ बाहर नहीं है, बट समथिंग इज लिविंग हियर। तो इस तरह के ये देखें, ये पौधे इसमें हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह के पौधे डेजर्ट के अंदर मौजूद हैं। ये देखें वो सामने, ये सारे घर हैं। तो ये यहाँ के देहात के घर हैं, ये विलेज हाउस है। विलेज में ऐसे हाउस होते हैं यहाँ पे डेजर्ट में। ये देखें दोस्तों, इस तरह के ये घर होते हैं डेजर्ट में। ये पूरा घर है और एक डेरा बना है। और दोस्तों ये है, ये डेजर्ट का एनिमल कैमल। ये ऊँट है, ये डेजर्ट का एनिमल है। सहरा में, डेजर्ट में पौधे भी सहराई हैं, जानवर भी सहराई हैं। और आप देख सकते हैं दूध भी मिलते हैं। यहाँ पे मैं एक फार्म हाउस में गया था, एक दोस्त के फार्म हाउस में, तो वहाँ से मैं दूध लेके आया था। इसका भी दूध मिला था और बकरी का दूध भी मिला था। वो डेढ़ डेढ़ लीटर वाली बोतलों में डाल के बकरी का दूध भी मैंने बहुत दिया, बड़ा एंजॉय किया। उसकी चाय भी बनाई, तो बड़ा मज़ा आया। तो ये डेजर्ट की लाइफ है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।